हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि फोटोशॉप में बारिश कैसे करवाएं। देखिए गाइस, अगर आप लोग को नहीं पता है कि फोटोशॉप में बारिश कैसे करवाएं या बारिश कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो ये मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है एडोब फोटोशॉप, इसके ऊपर इसे जाके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, आपका फोटोशॉप थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए फोटोशॉप आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फोटोशॉप ओपन हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इमेज, एक इमेज लेना पड़ेगा। इसे डबल क्लिक करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक इमेज आ गई ना, देखिए बहुत सारी गाइस यहाँ पे इमेज है, लेकिन मुझे ये शादी वाली इमेज बहुत अच्छी लगती है गाइस, क्योंकि मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है ना। देखिए डबल क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूल्हा और दुल्हन आ जाएंगे। इसके लिए गाइस आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड है, जैसे आप बैकग्राउंड पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद लॉक को तोड़ेंगे, लॉक को तोड़ने के बाद गाइस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको गाइस अल्ट के साथ, दोस्तों यहाँ पे अल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे। ऐसे आप अल्ट के साथ डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा इमेज काला काला दिखाई देने लगा गाइस। उसके बाद फिर फिल्टर में जाना पड़ेगा, जैसे आप फिल्टर में जाएंगे नॉइस पे जाइए, नॉइस पे जाने की वजह से आप ऐड नॉइस पे जाइए। ऐड नॉइस पे जाने के बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर इमेज पे जाइए, इमेज पे जाने के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा थ्रेशोल्ड का ऑप्शन, इसके ऊपर इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट को पकड़ के इस तरफ ऐसे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे आप लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद फिर फिल्टर में जाइए आप, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे मिलेगा स्टरलाइज। स्टरलाइज पे जाने के बाद जैसे विंडो पे ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 100 है, जैसे हम 200 पे ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल के साथ टी करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जिससे यहाँ पे रोटेट होता है। देखिए मैं ये पूरा बारिश को ऐसे इस तरफ पे रोटेट कर दे रहा हूँ। रोटेट करने के बाद इसको पकड़ ऐसे खींचे, फिर इसको पकड़ के ऐसे खींच लेंगे, खींचने के बाद इसको फिर ऐसे खींच लेंगे। देखिए जैसे आप खींच रहे हैं ऐसे भी आप लोग को ऐसे ही बनाना है। अगर वीडियो एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दो तीन बार करके देखेंगे तो आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे आप चेक पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप नॉर्मल पे जाइए, नॉर्मल पे जाने के बाद आपको मिलेगा स्क्रीन। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ बारिश की जैसे यहाँ पे दिखाई देने लगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एडोब, यहाँ पे देखिए जंप टू इमेज रेडी, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, आपका फोटोशॉप देखिए इमेज रेडी में आ जाएगा, यहाँ से आ गया। उसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए जाइए, जाने के बाद यहाँ पे करना है डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक। गाइस इसे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा इसको पकड़ ऐसे हल्का से खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे देखिए फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्यून्स एनिमेशन फ्रेम्स का, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे प्ले का ऑप्शन है, इसे प्ले के ऊपर क्लिक करके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे बारिश होने लगी। अगर आपको जूम करना है तो कंट्रोल के साथ यहाँ से प्लस प्रेस करके यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही बारिश करवाया जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम मजेदार वीडियो आप लोग को ले लाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे लग रहा है दूल्हा और दुल्हन, आप लोग कमेंट में गाइस जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाने सब वीडियो देखने के लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।